अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः फाल्गुन कृष्ण षष्ठी दिनांक 13 मार्च 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय एक शंखं चक्रं जलौकां दधतमृत घटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शतपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालांभोगोज्ज्वलांगं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। मेरी आवाज आ रही है? ब्रह्मणो हि समारब्धां आत्रेयाद्येषु पूजितां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मी बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनितत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। यथोक्त गुणानाम आमलकानाम सहस्रम पिष्ट स्वेदन विधिना वयसा उष्मणा सुस्विन्नम अनातप शुष्कम अनति चूर्णय। तो यथोक्त गुण जो अमल का है 1000 इस प्रकार से पिष्ट स्वेदन विधना पैसा उष्मणा। तो पिष्ट स्वेदन विधि से गर्म पानी के बाफ के ऊपर सुस्विंदम अच्छी तरीके से सुस्म हो जाने के बाद अनातप शुष्कम और धूप में नहीं सुखाए छाया में सुखाए अनस्थि चूर्ण और फिर इसमें से अस्थि जो है निकल के चूर्ण करे इसका तदमलक सहस्र स्वरप सरस परिपीतम स्थिरा पुनर्नवा जीवंती नागमला ब्रह्म सुवर्चला मंडूक परणी शतावरी शंख पुष्पी पिप्पली वचा विडंग स्वयं गुप्ता अमृता चंदन अगुरु मधुक मधुक पुष्प उत्पल पद्म मालती युवती युतिका चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम। तो उसमें 1000 अमलिक का स्वर डालना इस प्रकार का इस चूर्ण में और फिर ये स्थिरा पुनर्नवादी जो है इन सभी का चूर्ण अष्टमांश भाग इस प्रकार के उसमें डालना है। पुनर्नवा पुनः नागबला सहस्र फल सरस परिपीतम अनातप शुष्कम और फिर नागबला का सहस्र फल स्वरस परिपीत अनातप शुष्कन द्विगुणित सर्पिषा क्षुद्र सर्पिषा व गुशुद्र गुणाकृति कृत्वा दो गुना घी या घृत और क्षुद्र क्षुद्र गुणाकृति कृत्वा और क्षुद्र गुण जैसे बना के क्षुद्र गुण का संबंध पाणित जैसा करना है इस प्रकार का होगा पाणित कृति। शुचौ दृढ़े धृतभावित कुंभे भस्मराशे अधा स्थापित अंतर्भूमे पक्षम।
फिर भस्म राशि के अंदर, भस्म राशि में भूमि में इसको रखना है। दृढ़े घृत भावित कुंभे, शुचि दृढ़ और घृत भावित इस प्रकार का कुंभ उसमें लेना है। पक्षम कृत रक्षा विधानम अथर्व वेद विदा, एक पक्ष तक 15 दिन तक उसको रखना है, और रक्षा विधान अथर्व वेद जानने वाले जो है उनके द्वारा उसमें किया जाए। पक्षातेश उधृत्य कनक रजत ताम्र प्रवाल काला यत चूर्णां चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम, तो सोना चांदी ताम्र प्रवाल और काला यत चूर्ण अष्टभाग इस प्रकार से संयुक्त करके अर्धकर्ष वृद्धिया यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुञ्जानः अग्निबलम् अभिसमीक्ष्य, और प्रातः काल में अर्ध कर्ष वृद्धिया, तो अर्धकर्ष से आधा तोले से शुरुआत करनी है और आधा आधा तोले से अग्नि के अनुसार बढ़ाना है। इस प्रकार से प्रातः प्रातः प्रेम जानो अग्निबलम अभी समीक्षा जीर्णे च षष्टिकम तयसा अस्य सर्पिष्कम उपसेव मानो यथोक्तान गुणान समश्नुते। और फिर शाम को शाली षष्टिक का भोजन इस प्रकार का लेना है दूध के साथ। तो जो उसके जो गुण है वो सभी उसमें प्राप्त होते हैं। भवंति छात्र इदम रसायनम ब्राह्मम महर्षि गण सेवितम भवत्यरोगो दीर्घायु प्रयंजानो महाबला। तो ब्राह्म रसायन मिलता है बाजार में, अब सभी इसी प्रकार से बनाते हैं नहीं बनाते हैं एक अलग बात इस प्रकार रहेगी, लेकिन शायद इस तरीके से ये बढ़ाते हुए जाना ये थोड़ा ज्यादा आसान है। केवल अमलक को अमलक की भावनाएं देना ये एक बात इसमें, और बाकी सब चूर्ण इस प्रकार के डालना, और बाद में सुवर्ण रजत ताम्र कनक वगैरह ताम्र वगैरह जो है ये डालना, ये अलग बात इस प्रकार की है। तो उसके बारे में अभी तो भस्म डाला जाएगा, लेकिन फिर भी ये काफी मात्रा में भस्म है इस प्रकार से। भवत्यरोगो दीर्घायु प्रयुञ्जानो महाबला, तो इसको सेवन करने वाला दीर्घायु और महाबल इस प्रकार का हो जाता है, अरोग हो जाता है। कांता प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्रादित्य समद्युति, प्रजाजनों के लिए प्रिय इस प्रकार का सिद्धार्थ जो भी चाहे वो करता है। चंद्रादित्य समद्युति चंद्र सूर्य के समान कांति उसकी हो जाती है। प्रथम ब्राह्म रसायन मिल तो प्रथम यानी कि यही है ना, चौन प्राशा, उसके पहले कौन सा है कि ब्राह्म रसायन। अच्छा अच्छा ये भी अच्छा ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा आदित्य ये, लेकिन ये बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी महंगा हो जाएगा क्योंकि स्वर्ण वगैरह का प्रमाण काफी ज्यादा है। वैसे बनाने में आसान है, सिर्फ ये नागबला सहस्रपल, चार ना एक सहस्रपल इसका स्वरस लेना ये काफी मुश्किल है, क्योंकि इतनी नागबला मिलना काफी मुश्किल है। अब एक सामान्य तौर पर वास्तव में ऐसा कहना है कि जिस प्रमाण में बनाने के लिए बोला है उसी प्रमाण में बनाना अच्छा होता है, ऐसा एक कहना है। हम क्या करते हैं, हमें जितना चाहिए उसके अनुसार उस प्रमाण में उसी मात्रा में परिवर्तन, तो मंडना है कई लोगों से कि जो उस प्रमाण में बताया गया है उसी प्रमाण में अगर उसका निर्माण हो तो वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे निर्वाह बच्चे के लिए काढ़ा बनाना है वो तो काफी बड़ी मात्रा है। और फिर लोगों का कहना है कि
तीन चार इस प्रकार के भी पुटक देने हैं तो उतनी मात्रा लगती है, ये एक बात हो सकती है। नहीं तो बहुत सारे निरोह बस्ती के मरीज हैं, तो केवल एक के काम में नहीं आएगा, बाकी लोगों को भी काम नहीं आएगा, ये दूसरी बात होती है। लेकिन जिस प्रमाण में बताया गया है उसी प्रमाण से अगर महर्षि फार्मसी अमृत कलश या नावाने मिल गए, हाँ ये केरल वालों का भी है ब्राह्मण साइन, तो पाठ एक बार देखना पड़ेगा क्या है इस प्रकार से। तो ये 500 अमलक या 100 अमलक इस प्रकार से अगर लेकर करते हैं और उतनी मात्रा में ये सभी औषधियों का संग्रह करते हैं, तो इसमें ये चूर्ण भी डालने के लिए कहा है तो काफी बनेगा इस प्रकार से। लेकिन अष्टभाग चूर्ण है और भावना ही ज्यादा है, तो शायद ये बात हो सकती है कि क्वांटिटी ज्यादा नहीं बढ़े। और ये जो बात कही गई है कि आधा कर्श से लेकर बढ़ाते जाए क्वांटिटी, तो आधा कर्श से अगर बढ़ाते जाएंगे तो कितनी मात्रा होगी और ये शाम को शालिशष्टिक दूध के साथ सेवन करना है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इसके बारे में जरूर सोचना है, बनाने के बारे में। सिर्फ ये नागबला इतनी मात्रा में मिलना ये आवश्यक इस प्रकार का है, जहाँ होती है वहाँ काफी होती है, लेकिन फिर भी। और उसका स्वरस बताया है, नागबला सहस्र फल स्वरस परिपीतम अनाथ पशुष्कम, तो पूरे वनस्पति का ही रस निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, पत्तों का खास कर रस निकलेगा, क्योंकि मूल का वो इतना रस नहीं निकलने वाला, नहीं तो फिर काढ़ा बना के करना पड़ेगा। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। श्रुतम धारय ते तत्वम आर्षम चास्य प्रवर्तते, तो जो भी उसने सीखा है उसका धारण अच्छी तरीके से हो जाता है, और आर्ष सत्व ऋषि का जो सत्व है उसमें प्रवृत्त इस प्रकार का हो जाता है। धरणी धरत आरश्च वायना तम विक्रमा, तो पर्वत के जैसा सार इस प्रकार का, और वायुना तम विक्रमा वायु के समान विक्रम होने वाला, सभवत गदीपम चास्य गात्रे संपद्यते विषम, सभवते अविषम चास्य गात्रे संपद्यते विषम, और विष जो है उसके गात्र में अविष इस प्रकार का हो जाता है। तो हाल ही की स्थिति में इसको प्रचलन लाने की कोशिश अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, तो शायद ये अच्छा अमलक को अमलक ही भावना देकर मैं सप्तधातु बनाता हूँ, वो भी खास करके कैंसर मरीज में पेन जब ज्यादा होती है तब अच्छे रिजल्ट देती है। तो लेकिन मैं तो 7 भावनाएं सिर्फ देता हूँ और मात्रा भी कम रहती है। तो ये सहस्त्र अमल का और सहस्त्र अमल का सरस और परिपीत इस प्रकार से अगर हम चाहेंगे तो शायद अलग इस प्रकार की बात होगी। तो कम मात्रा में 100 ग्राम के मात्रा में 100 अमलक से लेकर करके एक बार देख सकते हैं क्या होता है इस प्रकार से, और फिर बड़े पैमाने पर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन आमल का हमें अच्छा मिलना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। बिल्वोग्निमंत शोनाक काश्मीरम पाटलीर बला
चतस्रा विप्पल्या श्वदंष्ट्रा बृहती द्वयम् शृंगंताम विशृंगी तामलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करागरु अभया चामृता रुद्धिर जीवकर्षभकौ षटी मुस्तम पुनर्नवा मेधा तैला चंदन मुत्कुलम विदारी वृषमूलानी काकोलिक काकनाटिका येषां पलोन्मितान भागान शतानी आमलकस्य च पंच। तो च्यवनप्राश है, काफी फेमस इस प्रकार का है। इसमें अष्टवर्ग मिलना मुश्किल होता है तो उसके प्रतिनिधि लिए जाते हैं। वैसे दशमूल है, दशमूल में अभी जो मिलता है वो काफी मुश्किल मामला है देखने के लिए। मूल मिलना तो बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है लेकिन ज्यादातर कंटकारी डोरली गृह गोक्षुर यही लघु पंचमूल से जो है वो मिलते रहते हैं। लेकिन बिलोग निमंत्र सोना का पाटला टंटकर महत्व से मूल मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। उसके बारे में थोड़ा एक कुछ सुझाव होना चाहिए कि किस प्रकार से ये कलेक्ट कर सकते हैं और जो वृक्ष है वो भी बचा रहेगा और मूल भी हमें मिलेगा। इस प्रकार की अगर स्थिति होगी तो अच्छा इस प्रकार का होगा। तो विदारी वृक्ष मूलानी वासा का भी मूल बताया है। सभी हम अभी तो पत्ते ही डालते हैं, मैं भी घर पे बनाता हूँ तो पत्ते ही डालते हैं इस प्रकार से। और जो द्रव्य आर्द्र मिलते हैं उसकी दुगनी मात्रा लेनी है, ये इसमें अहम है। गुड़चे अगर हमें आर्द्र अच्छी मिलती है तो दुगनी मात्रा लेनी, उसका भी अपवाद कहीं पे बताया गया था भाव प्रकाश में, अभी जो हमने देखा तो ये दुगनी नहीं लेनी है ऐसा भाव प्रकाश में बताया है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी इस प्रकार की चाहिए। तो शतानी पंच शतानी आमलकस्य च 500, अभी के हिसाब में जो आंवला मिलता है, एक ही बार में डोंगरी आंवला मिला था उसमें पानी बिल्कुल नहीं था तो च्यवनप्राश बहुत जल्दी बन गया। बाकी जो ये अभी है आंवले वो रस वाले आंवला इस प्रकार के है और फिर ये भुनने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो जनरली हम ऐसा करते हैं कि पल्वलाइजर का पल्पर पल्पर करके जो है उसका प्रयोग करते हैं। पहले तो हाथ से ही करते थे और उसके जरिए अच्छा कलक बन जाता है, फिर उसको कपड़े में बांध के हैंगिंग पोजीशन में रखते हैं तो उसमें से जो रस है वो निकल आता है, वो काढ़े में डाल देते हैं और फिर चाशनी जो है या शक्कर वो बिल्कुल जितनी शक्कर चाहिए उससे चौथाई काढ़ा इस प्रकार का ही रखते हैं तो जल्दी पाक बनता है। और गोलीबंद पाक जिसको कहते हैं एक तारीख से आगे वो करना है। हम भी ऑर्गेनिक शुगर का प्रयोग करते हैं तो घी भी देसी गाय का घी प्रयोग में लाना है और एला वगैरह जो है जो पूरी क्वांटिटी में क्वाथ में भी जानी चाहिए कि भावनाओं की संख्या को किस प्रकार से देखा जाए। सिर्फ मात्रा कम देना है और पोटेंसी बढ़ती है या और कुछ विचार है इसमें, 3, 5, 7, 21 ऐसी संख्या ज्यादा है ऐसा क्यों? तीन के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि दोषों के अनुसार हो सकता है। 7 ये दिन एक सप्ताह के लिए इस प्रकार के या 7 धातु के हिसाब से हो सकता है और फिर उससे त्रिगुणा 21 इस प्रकार का या 42 इस प्रकार का देखा जाता है। लेकिन आम तौर से कल मैं इनसे बात कर रहा था जो वैद्य केरला से आए थे और विटामिन डी के लिए आप क्या करते हैं मैंने पूछा था तो उनका कहना था कि गंध तेल देते हैं और
वाला गुड़ुची, क्षीर गुड़ुची या क्षीर वाला, इस प्रकार के जो 101 आवर्ती, वो 7 बूंद देते हैं तो भी उससे बिक्री बढ़ता है, ऐसा उनका कहना था। और गंदा तेल से अच्छी तरीके से बढ़ता है। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि स्लाइड में तो उन्होंने दिखाया था विटामिन D3 और ये देना, B12 देना इस प्रकार का। तो मैंने कहा कि आप एलोपैथी की दवा देते हैं? नहीं, बोले कि हम ये गंदा तेल वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। उन्होंने धन्वंतर तेल 41 आवर्ती, ये भी एक बताया था उसको। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आवर्ती तेलों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उसमें दूध उतनी दफा जाता रहता है सिद्ध करने के लिए, वो घी जैसा बन जाता है। वो तेल है, शुरू तो तेल से करते हैं लेकिन घी जैसा बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये 45 इस प्रकार का हो जाता है। तो पोटेंसी बढ़ती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अल्पस्यापि महार तत्वम प्रभुतस्य अल्पकर्मता कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी, ये जो बात बताई गई है। तो युक्ति पूर्वक इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो पोटेंसी बढ़ जाएगी, कम मात्रा में भी काम हो जाएगा। और खास करके ये आवर्ती तेल है, इनमें अग्नि संस्कार का भी एक अहम महत्व है। केवल अमल की को अमल की भावना देंगे और इस प्रकार से आवर्ती स्नेह बनाएंगे, तो इसमें अग्नि संस्कार का एक अहम मुद्दा है। और इतने बड़े पैमाने पर अग्नि संस्कार हो जाता है तो उसका एक जरूर लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार से सोचना है। अमल की के भावनाओं की संख्या, गंधक तेल को की सेवन विधि एंडोस, 5 बूंद देते हैं दूध के साथ। तो मैं भी ले रहा हूं अभी गंधक तेल 5 बूंद हर रोज। तो वो थोड़ा सा आसान है इस प्रकार से लेने के लिए। और गुड़ुची सिद्ध क्षीर और उसके साथ में ये अगर लेते हैं तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी यहाँ पार्थ काले भी गंधक तेल बनाता है, ये पुणे में अभी कर रहा है, बाकी नहीं तो ये केरल से ही आता था इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से भावनाएं देना या फिर शतपाखी वगैरह इस प्रकार के तेल बनाना है, इसमें अग्नि संस्कार का महत्व है। जैसे षडगणों बलि जाए तो तैसे सिंदूर में अग्नि का महत्व बहुत ज्यादा है। और E=MC² ये सूत्र लगाएंगे तो उसमें कितनी एनर्जी समा गई है इसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा। आवर्ती तेलाचा कैप्सूल्स पण अवेलेबल है, ये कैप्सूल में भी मिलते हैं और सीधा लेने के लिए भी कह सकते हैं इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन है कि इन आवर्ती तेलों का प्रयोग करें। कल उनका था वातव्य व्याधि पर, और एक भी वातव्य व्याधि छोड़ा नहीं उन्होंने, निदान पूरा एलोपैथी का था डायग्नोसिस इस प्रकार से। और फिर चिकित्सा जो करनी है वो तो वायु धातु क्षय कोपो मार्ग से आवरण एनवा इसी आधार पर चलती रहती है। तो मेरा सुझाव है कि इसमें आयुर्वेदीय निदान होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। हमारे हिसाब में तो दुष्यंत देशम बलं कालम ये सब देखना है, ये तो बोल बता रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं।
B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, उसके लिए क्या बता सकते हैं? ये तो एलोपैथी के हिसाब से देसी गाय का दूध कम से कम 300 ml हर रोज, अगर डिफिशियंसी है तो उससे भी ज्यादा लेना है। इस प्रकार के किसी की थीकल, किसी की थीकल। कल यहाँ वैद्य रत्नम के द्वारा पुणे में एक संगोष्ठी आयोजन आयोजित की गई थी। मैं चीफ गेस्ट था। श्रीराम गलगली का व्याख्यान हुआ, गोप कुमार का व्याख्यान हुआ, और एक तीसरे वैद्य थे जो वैद्य रत्न से जुड़े थे, उनका व्याख्यान हुआ। उसमें ये वात व्याधि के बारे में जिक्र कर रहे थे। ये पुणे में ही था, प्रेसिडेंट होटल में। तो जो भोजन के समय वगैरह जो बातें हुई, इसमें ये बात पता चली कि वो D3 डिफिशियंसी के लिए करते हैं, B12 के लिए भी यही सिलसिला है। मैंने फिलहाल व्हाट्सएप में मैसेज देखा था, वो जिक्र करना चाहिए उसके बारे में, क्या अगर सच है, कितना सच है क्या, कि अंजीर और बादाम ये B12 में अच्छे है, इसका B12 कंटेंट अच्छा है, व्हाट्सएप मैसेज होता। तो अगर ये सच है तो ये एक अच्छा सोर्स रहेगा। और देसी गाय का दूध ये तो, लेकिन 300 ml लेना है तो केवल एक दफा दूध लेने से काम नहीं होगा, दो दफा तो कम से कम लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अभी पतंजलि की सीरीज आ रही है, न्यूट्रेला की, B12 और D2 की आ रही है उनकी। तो उन्होंने बताया कि सनलाइट से आरंभ होता है त्वचा के नीचे, फिर वो वहां से लिवर में जाता है, फिर बोन मैरो में जाता है, और फिर एरिथ्रोपोएटिन जैसी एक्शन होती है और D3 प्राप्त होता है। इस प्रकार का कुछ उन्होंने बताया, ये मालूम नहीं कहाँ से उसने लिया था। इस प्रकार से न्यूट्रेला से नहीं, जनरल संगीत है। आतप सेवन से D3 कैसे बनता है उसके बारे में बताते तुम्हें, उन्होंने ये बताया था। लेकिन आयुर्वेदीय निदान होना है, ये बात हम जितनी महाराष्ट्र में करते हैं उतनी कोई नहीं करते हैं इस प्रकार से। और खाने पीने के बारे में पूरी जानकारी लेना, ये जो हम महाराष्ट्र में करते हैं वो भी बाहर नहीं प्रचलन में है इस प्रकार से। और इसका श्रीरंग गलगली का व्याख्यान हुआ था, उसका CKD पर था। और उसने शुरुआत की थी कि स्वतंत्र और परतंत्र इस रूप से उसको अलगता से देखना है। मूत्र कृशम, मूत्राघात ये स्वतंत्र विकार है, लेकिन अभी के CKD जो वगैरह वो परतंत्र व्याधि है, उनका निदान अलग ही रहेगा इस प्रकार से। शायद पांडु वगैरह एक प्रकार का निदान रहेगा। और अग्निमांड्य, आम, ये तो बातें होती ही रहती है इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में उसका निदान क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा CKD का, और फिर इसके अनुसार चिकित्सा होती रहनी चाहिए। तो अभी इस प्रकार से विटामिन D3 और B12 के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा, क्योंकि काफी लोगों में कमी है और उसके जरिए ये कुछ बीमारियां अगर हो रही है तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। गोपक कुमार ने भी एक बात अलग कही कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अगर पांडुता इस प्रकार के निर्माण होती है तो उसके लिए क्या क्या देना है, ये फलत्रिका देव वगैरह इस प्रकार से बताया था। और उनका कहना था कि इससे एरिथ्रोपोएटिन जो है देसी क्रिया मिलती है, क्योंकि ये एब्सॉर्प्शन सुधारता है, आंतों से आहार रस का जो निर्माण है वो अच्छी तरीके से होता है, फिर रक्त बनता है। तो B12 की डिफिशियंसी उससे दूर होती है, ये उनका भी कहना था इस प्रकार। तो ठीक है, अभी ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में काफी इस प्रकार की चीजें
आ रही है। और जहां तक उससे सिद्धि मिलती है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की। नहीं मिलती तो उसके बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से सोचना बेहतर किस प्रकार का रहेगा। गणे ही वाता रे तस्मात् शतशोथ सहस्रशः सिद्धं क्षिप्तरमहते सूक्ष्म मार्ग पितां गदाम आवर्ती तेल मध्ये संस्थानामुळे धातुगामित्व येत असावे असे म्हणजे शक्य। सही है। तो सूक्ष्म मार्ग स्थित इस प्रकार के रोग को दूर करता है। गुणे शास्त्री का जो कहना है, अभ्रक भस्म जब सहस्त्र बुट्टी बनाते हैं तो उसमें सूक्ष्म गुण बढ़ जाता है और फिर सूक्ष्म सोतों में जाकर खासकर मनोहर स्रोत कहता है वो अच्छा काम करता है। जब ये मैं स्रोतस के बारे में निबंध लिख रहा था, अभिश्चंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च सुपतां दिवा, तो मैं स्थूल पे अटक गया। मेरे ख्याल में ऐसा था कि स्थूल यानी कि बड़ा, उसको काटेंगे टुकड़े होंगे तो वो सूक्ष्म हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है ना, स्थूल खाएंगे तो भी उसके टुकड़े होने वाले हैं, सूक्ष्म खाएंगे तो भी उसके टुकड़े होने वाले हैं, तो फिर स्थूलानि क्यों लिखा है इस प्रकार से। और ये स्थूलत्व किस प्रकार से जाना जा सकता है, ये दूसरा अहम मुद्दा है। प्राचीन काल से लेकर यह अगर मुद्दा है तो पार्टिकल साइज या फिर उस परमाणु का साइज वगैरह इस प्रकार के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और पचन की प्रक्रिया होते समय ये साइज कम नहीं होता, स्थूल का सूक्ष्म नहीं होता, वैसा ही रहता है। तो मूल रूप से कौन स्थूल है और कौन सूक्ष्म है ये देखना एक अहम मुद्दा रहेगा। और अगर अभ्रक भस्म की सहस्रकूट बताए हैं तो सहस्रकूट ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं इस प्रकार के। और सोना वगैरह के बारे में सहस्रकूट क्यों नहीं देने हैं, ये दो सवाल मेरे मन में उठे थे उस समय। तो एक ऑप्टिमम लेवल हो जाती है कि जैसे अभ्रक भस्म संपुटित तो इस प्रकार का है कि उसके ऊपर बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होते हुए ये मूल रूप से तो सूक्ष्म है लेकिन जो निसर्ग में मिलता है वो पुटित इस प्रकार का मिलता है। और जैसे जैसे हम पुट देते जाते हैं वैसे 1000 फुटों तक ये उसके मूल स्वरूप का प्राप्त करता है और फिर उसको और आगे फुट देने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1000 फुट कहे गए हैं। और सोना वगैरह के बारे में यह बात होती नहीं है क्योंकि उसका पार्टिकल साइज जो है वही इस प्रकार का रहेगा, उसमें सूक्ष्मता आएगी इस प्रकार की बात नहीं रहेगी। अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि भस्मों के बारे में अगर आधुनिक वैद्य को या आधुनिक शास्त्रों को बताना है तो हमें नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी। कि भस्म जो बनते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी जैसे है इस प्रकार के, ये तो नहीं बता सकते उन्हें कैसे पता हो चल गया कि 1000 फुट के बाद तो रुकना है। मूल मुद्दा जो है वो सूक्ष्म और स्थूल बेसिक गुण है, बदलने वाले नहीं है, केवल व्यक्त होते रहेंगे। सूक्ष्मत्व तो उसका जो है व्यक्त होता रहेगा इस प्रकार, और वो 1000 फुट के बाद पूरी तरीके से व्यक्त हो जाता है, इसलिए आगे और फुट नहीं देने हैं इस प्रकार। लेकिन हमें चाहिए कि स्थूल पदार्थ कौन से है फिर कि जिसके जरिए भी मांसों का बिगड़ जाता है।
तो अभी एक ऐसा ऐसा कहना है कि हाइड्रोजनेटेड घी, ये जो है तेल से बना वनस्पति घी इस प्रकार से, तो इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है और हमारा जो नॉर्मल अग्नि है वो उसको पचा नहीं सकता, उसको उष्णता बढ़ानी पड़ती है शरीर को उसको पचाने के लिए, ऐसा मैंने सुना है। ये अभी रेफरेंस ढूंढने पड़ेंगे इसके बारे में, तो वो किसी को भी सेवन नहीं करना है, लेकिन ये संस्कारित है। मूल रूप से स्थूल कौन से होंगे? तत्र द्रव्यं गुरु स्थूल स्थिरगंध गुणोल्बणम पार्थिवम, पार्थिव द्रव्य के बारे में स्थूल गुण बताया जाता है इस प्रकार से, और गंध गुण प्रधान होता है। तो इनके बारे में अगर सोच सकते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं कि जो स्थूल गुण से संयुक्त इस प्रकार से है, और फिर मात्रों स्रोत की दृष्टि कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके विपरीत तो सूक्ष्म गुण है, अगर स्थूल गुण वाला द्रव्य कहीं अटक जाता है तो निर्माण करता है, तो उस स्रोतोरोध को दूर करने के लिए सूक्ष्म गुण वाला द्रव्य चाहिए। मैंने एक अजीब सवाल कोल्हटकर सर से पूछा था कि वातव व्याधि में मधुरा मल लवण ये रस होने चाहिए वास्तव में चिकित्सा में क्योंकि वो वातशामक है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं तिक्त कटु रस का ही ज्यादा प्रभाव रहता है उसमें जो वातोवर्धक है। तो छिन्नत्ति बंधान श्रोताओं से विवृणोति कफापहा, ये जो कटु रस के बारे में बताया गया कि ये श्रोताओं से विवृणोति श्रोतस को विस्फारित करता है, तो स्थूल कहीं पे अटक गया है तो एक तो उसको ब्रेक करना है या फिर स्रोतस का विस्तार करना है ताकि वो वहां से अटके नहीं निकल जाए इस प्रकार। ये दो तरीके से हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो पार्थिव द्रव्य स्थूल है इसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन कौन से पार्थिव द्रव्य इस प्रकार से विशेषता रहेंगे कि जिसके बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा? और कटु रस का इस प्रकार से उपयोग होना स्रोत शोधन करके, चित्त रस के बारे में कैसे सोचेंगे? वो तो वायु और आकाश प्रधान है, वायु को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। तो सर का कहना था कि इस चित्त रस के जरिए अगर वायु बढ़ा है तो उसको ठीक करने के लिए तिक्त रसात्मक ही द्रव्य चाहिए सूक्ष्म, क्योंकि ये सूक्ष्म गुण जो है आकाश का खास करके वो किसी दूसरे में नहीं है, वो तिक्त रस में ही है, और उसके जरिए अगर ये कुछ विपत्ति निर्माण हुई है तो ये अंदर तो जा सकना चाहिए, सूक्ष्म है तो भी तभी अंदर जा पाएगा, लेकिन काम करना है उसको वातशमन, तो ये गुडुचि वगैरह इस प्रकार के जो द्रव्य है कि ये अंतर तो अंदर तक जा सकते हैं, तीनों दोषों का प्रशमन करते हैं, रसायन भी है, तो गुरुची हो आमल की हो हरिद की हो या द्रव्य, तो इसमें काफी रस है। वैसे देखा जाए तो हरित की अपतर्पण है लेकिन गृहिणी वगैरह इस प्रकार की बात जो कही गई और ब्रोहण के शुरू में कदाचित अपतर्पण लंघन करता है करना पड़ता है, आम है स्रोतरोध है, तो
हमें अपतर्पण कुछ हद तक बुरुहांस तुम मृदुलंग है, जब तक स्रोतस खुलते नहीं तब तक वहां पे जाकर काम होना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और इसलिए सूक्ष्म गुण की आवश्यकता रहती है जो तिक्त रस में है, लेकिन तिक्त रस का जो वातवर्धन का कार्य है प्राय तिक्त कषायन च में बिना तिक्तं कठिनभूयिष्ठं अवृष्यं वातकोपनं मृते मृता पटोलिभ्यां शुण्ठी कृत्ना रसोनता। तो अमृता और पटोली ये तिक्त रसात्मक होते हुए भी वात का शमन करने वाले हैं, और शुंठी कृष्णा रसो में ये कटु रसात्मक होते हुए भी वात का शमन करने वाले। तो युक्ति पूर्वक योजनाएं होनी चाहिए। और कोलटकर सर का एक कहना था कि ये गुप्तचर जैसा काम होना चाहिए। गुप्तचर दिखने में तो अपोजिट पार्टी का दिखता है, लेकिन काम दूसरे पार्टी का इस प्रकार का करता है। और ये ड्यूएल इस प्रकार के काम भी करने वाले गुप्तचर होते हैं, यहाँ का वहां बताना, वहां का यहाँ बताना, दोनों तरीके से फायदा लेना इस प्रकार से। तो यो यथा परितुष्यति तत्तथे तथैवानुवर्तेत, इस प्रकार से शरीर में घुसने के लिए सूक्ष्म गुण आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसके आधार पर वो कार्य करेगा, वो हमें जो चाहिए दोष शमन का वो करेगा। ये किसमें अहम बुद्धा इस प्रकार का रहेगा। हम काफी बह गए। तो कहने का तात्पर्य आता है कि स्थूल और सूक्ष्म मूलभूत इस प्रकार के गुण, वास्तव में गुणों में जो परिवर्तन आता है वो गुरु लघु में ही आता है, बाकी गुणों में परिवर्तन नहीं आता। जो भी उदाहरण जितने भी बताए गए हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम् इसके बारे में, वो गुरु लघु के बारे में ही है। तो गुणों को उतने सूक्ष्म दृष्टि से देखा नहीं गया है, और मूल रूप से उसके बारे में सोचा नहीं गया है। तो मैं चाहता हूँ मेरी संहिता में इसके बारे में कोशिश करेंगे, इंद्रिया पर्यंत। नहीं, रसवीर विपाक प्रभाव चारों का लेना है ना। रसम विपाक सौवीर्यम प्रभाव स्थान्य पोहोति बलसाम्य रसा देना मध्य नैसर्गिक संकलन। रस से वीर्य विपाक, विपाक दोनों से वीर्य और सभी से प्रभाव जास्त ज्यादा प्रभावशाली होता है। गुणों से इतना ही लगे, रस भी गुण है, विपाक भी गुण है, बाकी जो गुण है वीर्य। हाँ, कर्म भी स्मनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रय गुणा, इस प्रकार के इनके कर्मों के आधार पर द्रव्याश्रित गुणों के बारे में मालूम पड़ता है। इस प्रकार से इंद्रिय जो है वो गुण का कहे जाते हैं वैशेषिकों के अनुसार। तो द्व्यणुक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें सूक्ष्म गुण का प्रयोग होना ही है, खास करके आवर्ती तो स्नेह जो है, क्योंकि ये क्षीर बला ये जो 101 आवर्ती बताते हैं उसका इंद्रियों पर अच्छा असर होता है।
फलश्रुति में भी उसके है। और शायद हमें नस्य के बारे में भी इसके बारे में सोचना है कि ये किस प्रकार से काम करता होगा। मध्य मध्य आवाज खूब कमी, ये तो अच्छा है, मालूम नहीं क्यों होता है इस प्रकार से। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये मुझे मालूम नहीं है, तो बीच में एक डिवाइस लगा था, उसकी सेल खत्म हो गई है, मुझे पता नहीं चला कि उसमें सेल है। और वो बदलने के लिए सोचा, फिर वो गायब हो गया, मालूम नहीं कहाँ है अभी। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इस प्रकार से। पंचद्रव्या तदहि कथ्यं जलद्रोणे विपाचे, तो ये जलद्रोण में ये इसका पाचन करे। ज्ञात्वा गतरसानि एतानि औषधानि अततम रसम, तो ये औषध गतरस हो गए है, उसका रस जो है वो नहीं समझ में आ रहा, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। तो ये काढ़ा बनाते समय ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। जितनी मंद गति से ये होगा, उतना उसका जो रस है वो काढ़े में उतरता रहेगा, और फिर जो कल्क द्रव्य है या उसका जो शेष है वो विगत रस हो जाएगा। तो ये विगत रस होना जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। हम ये देखते नहीं है, कोशिश नहीं करते कि ये काढ़े में से निकाल के द्रव्य ये विगत रस हो गया है नहीं हो रहा है, इस प्रकार से देखना चाहिए। और इसके लिए बहुत मंद इस प्रकार के अग्नि पर ही उसको पकाना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, ताकि ये बात अच्छी तरीके से हो जाए। तम रसम तच्चामलकम उद्धृत्य निष्कुशम निष्कुलम तैल सर्पिशोः पलद्वादशिके भृष्ट्वा, तो ये अमलक और वो रस, ये इन सभी को तैल सर्पी में भर्जन उसका करना है बलद्वादशी के दृष्टवा। दत्वा चार्ध तुलान भिषक, और फिर अर्ध तुला मत्स्यंडिका इस प्रकार की देनी है, पूताया लेहव साधु साधु। तो लेहवत इस प्रकार से करना। तो ये भी बात अभी नहीं होती है, हम जो अभी कर रहे हैं वो काढ़ा छान कर लेते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं और ये पक्का पाक बनाते हैं। और ये जो अमलक है पिष्ट इस प्रकार का, उसको तेल और घृत में भर्जित कर लेते हैं। शारंगधर में केवल घृत का निर्देश है, यहाँ पे तेल और घृत ये दोनों है। लेकिन मैं मानता हूँ कि तेल और घृत दोनों का होने से त्रिदोष शामक इस प्रकार का संयोग हो जाता है। पित्तघ्नास्ति यथा पूर्व इतरघ्ना यथोत्तरम, घृत जो है वो पित्तघ्न है यथा पूर्व, और इतरघ्ना यानी कि वातक उपनाशक ये तेल है। तो ये त्रिदोष शामक संयोग हो जाता है जब तेल और घृत दोनों में भर्जन करते हैं। और ये जो तरीका है, ये सब इकट्ठा करके अवलेह करना, तो ये एक्सपर्ट का काम है। हमारे यहाँ काशीकर वैद्य रहते थे, ऐसे काशीकर करते हैं, काफी बूढ़े थे, 80 के ऊपर उम्र की। चबा कर देखना है, विगत रस हो गया है देखने के लिए। तो उसमें से जो पाथ्य द्रव्य है उसमें से निकाल के चबा के देखना है, उसकी टेस्ट आ रही है नहीं आ रही है इस प्रकार। अगर टेस्ट नहीं आ रही है तो बिल्कुल धीमे गति से ही ये करना है इस प्रकार। तो ये काशीकर सर ये सभी इकट्ठा करके पाक बनाते थे, और हमें पता नहीं चलता था कि वो कब कहते थे कि अब रुक जाओ हो गया, और उनका अंदाजा सही रहता था। लेकिन ये एक्सपर्टाइज अगर नहीं रहा तो ये च्यवनप्राश बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। खरपाक हो सकता है या फिर मृदुपाक रहता है, और फिर वो बुरा होने लगता है इस प्रकार से कुछ महीनों के बाद।
तो इसके लिए कोलटकर सर का कहना था कि जब ये भर्जन कर लेते हैं उसमें से तेल घी छूटता है तो उसमें पानी नहीं रहा, और एक पक्का पाक बन जाए तो उसमें भी पानी नहीं रहा, दोनों इकट्ठा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टिकने में कोई मुसीबत इस प्रकार की नहीं है। तो उसको इस प्रकार से अलग किया गया है। अभी कुछ वैद्य गुड़ से च्यवनप्राश बनाते हैं, ठीक है, मैंने टेस्ट नहीं देखी है उसकी और कंसिस्टेंसी कैसी आती है। हम ऑर्गेनिक शुगर से करते हैं तो ये थोड़ा गुड़ और शक्कर के बीच में इस प्रकार का रहेगा। वैसे आजकल की जो शक्कर है उसको तो नहीं लेना है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये मधुर करके जो शक्कर आती है वो भी वैसे अच्छी नहीं है, तो बीच में हमने एक दो बार वो उससे बनाया था लेकिन बाद में पता चला कि गंधक नहीं है लेकिन बाकी काफी उसमें केमिकल्स है, तो वो छोड़ दिया। अब सिर्फ ऑर्गेनिक शुगर से ही करते हैं इस प्रकार से। षट्पलम मधु मधुनश्चात्र सिद्ध शीते पदार्थ, तो षट्पलम मधु इसमें डालना है, सिद्ध शीत इस प्रकार से हो जाने की बात। तो करीबन 24 घंटे लगता है शीत होने के लिए, स्वांग शीत इस प्रकार से। चतुष्पलम तुगाक्षरी यहाँ पिप्पली द्विपलम तथा, तुगाक्षरी चार पल और द्विपल पिप्पली। अगर तुगाक्षरी में क्या ले, ये काफी मुश्किल मामला है। सिंथेटिक जो आता है वंशलोचन वो काफी जगह में प्रयोग में लाया जाता है। कैन जैगरी सब्स्टिट्यूट शुगर, नहीं जैगरी नहीं कर सकते क्योंकि जैगरी यानी कि गुड़ है तो ठीक है, लेकिन बेहतर ऑप्शन ब्राउन शुगर आती है, ऑर्गेनिक शुगर आती है वो डाले वो अच्छा है। गुड़ आणि पिता यांचे गुणधर्म में दिला गया है या ये प्राचीन पद्धति से शर्करा बनाना, ये अगर हमें हासिल हो जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। अभी फिलहाल मैंने देखा नहीं है, कभी भी प्रोसेस ये देखी नहीं है, बंगाल में बनाते हैं ऐसा सुना है लेकिन देखना पड़ेगा इस प्रकार से। पलमेकम निदध्याच्छत वगेला पत्र केशरा, तो त्रिजात जो है वो वगेला पत्र और केशर चतुर्जात है वो डालना है। इत्ययम च्यवनप्राशा परमुक्तो रसायना, तो ये च्यवनप्राश है और ये परम रसायन इस प्रकार का। खड़ी साकर केमिकल विरहित असेल का, नहीं है, मैंने उसके बारे में पूछा था। ये अभी उसमें दो प्रकार के आते हैं, एक छोटे बड़े टुकड़े आते हैं वो थोड़े नेचुरल है क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से, उसका भी मैंने प्रयोग किया था। लेकिन जो चौकोन इस प्रकार के एक तरीके से आते हैं वो तो पूरा सिंथेटिक इस प्रकार का ही है। गतरसत्व को ही सम्यक वीर्य संक्रांति का लक्षण मानते थे, तो ये सभी में होना चाहिए, क्वाथ जब बनाते हैं तभी ये गतरस होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, ये अभी सिचुएशन है। कासश्वात हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते, तो एक खास करके कासश्वात हर इस प्रकार का है च्यवनप्राश जो है। क्षीण क्षता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंग वर्धना, क्षीण क्षत वृद्ध और बाल इनका अंग वर्धन करने वाला इस प्रकार का है। केरल में ब्राउन कलर की खड़ी का कर मिलती देखना चाहिए अगर एक बार मंगा के, और कैसे बनाते हैं उसके बारे में अगर कुछ पता चले तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। रेफरेंस कोई मालूम है तो बता देना इस प्रकार। हाँ ब्राउन कलर की केरल में, तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। बालानाम अंगवर्धना ये बात बताई गई है, और खास करके बालकों को च्यवनप्राश देना चाहिए, उम्र के हिसाब से मात्रा एडजस्ट करनी है। बच्चे तो आसानी से खाते हैं उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और फायदा भी होता है इसमें भी संदेह नहीं। स्वरक्षय मरोरोगम रुद्रोगम वातशोणिता, स्वरक्षय उरो रोग इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोंकाइटिस से लेकर
या कैंसर इस प्रकार से ले सकते हैं। बुध 240 ग्राम क्यों? ये फलद द्वादश का जो है वो भी 240 इस प्रकार का है। 480 है ये, सॉरी, 12 फलद द्वादश का तो 480 है, उसके हाफ इस प्रकार का मधु है। वैसे मधु का रोल क्या है ये काफी बारे में सोचा जाता है, और कैटलिटिक एक्शन मधु की है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो योगवा है इस प्रकार के एक्शन है, और योगवा ही होने के कारण जिस द्रव्य में मिलाएंगे उसकी कार्मुकता बढ़ेगी। वैसे मधु खुद कफपित्त शामक इस प्रकार का है, उसका भी कुछ परिणाम होता होगा, लेकिन मुख्य रूप से योगवा ही कार्य उसका मिलता है, ये आम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उरोरोगम, रुद्रोगम, वातश्रोणिकम, रुद्रोग और वातरक्त इन सभी में महत्वपूर्ण है। पिपासा मूत्र शुक्र स्थान दोषांश चापे अपकर्षक। पिपासा ये पातुम इच्छा इस प्रकार की है, तृषा नहीं कही गई। मूत्र शुक्र स्थान दोषांश, मूत्र और शुक्र में जो दोष है उनको निकालने वाला इस प्रकार का है। तो प्रमेह में भी इसका प्रयोग हो सकता है, और शुक्र रोगों के लिए बताया गया, शुक्रस्थ रोगों दोषों रोगों के लिए, दोषों के लिए, इसलिए मैंने कैंसर में इसका प्रयोग शुरू कर दिया। अभी करीबन हर मरीज को हम च्यवनप्राश देते हैं सुबह शाम लेने के लिए। केवल कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको उष्णता लगती है इससे, और खास करके गर्मी के मौसम में शरद ऋतु में बंद कर देते हैं उनके लिए, लेकिन ठंडी के मौसम में, वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में जरूर ले सकते हैं इस प्रकार से। तो वर्धमान पिपली रसायन भी देते रहते हैं, और ये च्यवनप्राश भी इस प्रकार से देते रहते हैं। तो शुक्रस्थ दोषों को दूर करने वाला ये जब मैंने ध्यान में लिया तो मैंने सोचा कि ठीक है, और च्यवनप्राश वैसे भी बनाते थे, लेकिन अभी हमारी क्वांटिटी काफी बढ़ गई है, 400-500 किलो च्यवनप्राश हमें एक बरस के लिए लगता है, और सीजन तो उसका मर्यादित इस प्रकार का है, तो उसी में बना के रखना पड़ता है इस प्रकार से, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। अस्य मात्राम प्रयुज्यते या उपरुन्धान्न भोजनम। तो वैसे उसी प्रकार की एक भोजन जिससे रुके नहीं इस प्रकार की मात्रा लेनी है। अस्य प्रयोगा च्यवना सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा। तो इसके सेवन से ऋतु अनुसार सेवन रिपीट करें। केवल ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में च्यवनप्राश ज्यादा देना नहीं है, जिनको खास करके पित्त की शिकायत रहती है उनको। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु में दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर रोगी के अनुसार मात्रा एडजस्ट करें। ये जो बात बताई गई है कि केवल च्यवनप्राश एक दफा और शाम को भोजन, इस प्रकार से उतनी मात्रा में च्यवनप्राश देना है, तो कोलटकर सर ने भी किया था, मैंने भी कुछ मरीजों में किया है। अभी यहाँ पे एक अनुभव शेयर हुआ था कि वातरक्त में इसका अच्छा प्रयोग किया गया है, तो उन सभी के बारे में जरूर सोच सकते हैं, और अच्छी तरीके से उसका सेवन कर सकते हैं। तो च्यवन ऋषि जो है उसके प्रयोग से पुनर्युवा, वृद्ध सुवृद्ध होने के बावजूद पुनर्युवा हो गया। मेधाम स्मृतिं कांति मनामयत्वम आयुः प्रकर्षम बलम इंद्रियाणाम त्रिषु प्रहर्षम परम अग्निवृद्धिम व्रण प्रसादम पवनानुलोम रसायनस्यास्य नरक प्रयोगात लभेत जीर्णोपि कुटी प्रवेशात जराकृतम रूपम पंपास्य सर्वम दिवर्ति रूपम नव यौवनस्य इति च्यवनप्राश। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह ही शल्य तंत्र प्रधान
शिष्येभ्यश्याश्वतोऽयमखिल जन कृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गोऽहीनं वैद्यवर्गोऽहीनं। क्या आपने हर पेशेंट ने आम पाचन कराकर ही दिया है? ऐसा भी नहीं है, मैं जो बताता हूँ वो जब भूख लगे जितनी भूख लगे उतना दूध लेना है ऐसा बताता हूँ, और केवल दूध पे ही रखता हूँ। तो जब भूख लगे तो भू दूध पे इस प्रकार से रखेंगे तो भी ठीक रहता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं दिया है, वो थोड़ा कोशिश में करूंगा करने के लिए इस प्रकार। ज्यादा मरीज में नहीं दिया, कुछ मरीजों में दिया है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार स्वाहा पुनरपि श्याम। मैं सोच रहा हूँ बुद्ध तुभ्य प्रकृति कपा आदित्य में विद्युत दपान करते हैं। मेरे प्रकृति के बारे में विचार अलग है, सभी लोग आमतौर पर सम प्रकृति ही होते हैं, तो ये अलग रहेगा। लेकिन कपा प्राधान्य